जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है तो प्रदेश, पूरा प्रदेश कंगाल हो गया है। आपने देखा कि 2018 में जनमत कांग्रेस को मिला, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन इन्होंने जनबल और धनबल से हमारी सरकार को, जनता की चुनी सरकार को गिरा दिया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमार महिला को 1500 रुपये देंगे जो 18 वर्ष से ऊपर रहेगी, 500 में सिलेंडर देंगे। तो उन्होंने अनन फनन में आपने देखा कि 1000 रुपये से लेकर 3000 तक की बात करने लगे, 450 रुपये में सिलेंडर की बात करने लगे। देखिए, सीधी विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सामने एक 10 साल की सांसद और 15 साल के विधायक, इनका सामना होगा। इस संघर्ष को कैसे आप फेस करेंगे जो चक्रव्यूह में जिस तरह घेरा गया है? देखिए, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह में मुझे नहीं घेरा गया है, चक्रव्यूह में वो अपने आप खुद आके फंसे हैं। ये जो 10 साल की सांसद की आप बात कर रहे हैं, ये खुद के दम पे सांसद नहीं बनी हैं, ये मोदी सरकार की, मोदी जी की लहर में सांसद बन गई हैं। आज दिन से पूछा जाए कि सीधी विधानसभा का अंधेरी गढ़ी गांव कहाँ है, तो सीधी विधानसभा का कतरी काड़ी गांव कहाँ है, तो आज सांसद जी को नहीं पता होगा, तारीख को होगा। रही विधायक जी की बात, तो विधायक जी तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं। आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा इस विषय को लेके कि ज्ञान सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ हरिओम सिंह। मैं हूँ आज सीधी जिले के सीधी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह के पास। हालांकि वो इसके पहले कांग्रेस के संगठन में काम कर चुके हैं, कई प्रमुख पदों पर रहे हैं, वर्तमान समय में जिला अध्यक्ष सीधी की भूमिका में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले जैन जी, आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या रहेगा मुद्दा आपको इस बार, इसलिए कि पहली बार आपको दिया गया टिकट, क्या लगता है? देखिए, मुद्दे की बात यदि हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि आपने मुद्दा पूछा कि क्या होना चाहिए, क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है तो प्रदेश, पूरा प्रदेश कंगाल हो गया है। आज लगातार कर्ज बढ़ रहा है। 2003 में जब इन्होंने गद्दी संभाली थी तो मात्र 27,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, आज 3.25 लाख रुपये का कर्ज, 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस सरकार के ऊपर है। यदि हम अनुपात करें तो 3.25 लाख करोड़ का ब्याज जो है 27,000 करोड़ होता है, तो मतलब जितना पहले ब्याज लगता था उतना अब इनके ऊपर 3.25 लाख रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। रही बात मुद्दों की, तो ये सिर्फ सपना दिखाते हैं। आपने देखा कि 2018 में जनमत कांग्रेस को मिला, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन इन्होंने जनबल और धनबल से हमारी सरकार को, जनता की चुनी सरकार को गिरा दिया। चलिए ठीक है, आपने सरकार गिरा दिया, वो भी बात स्वीकार किया, क्योंकि संविधान की जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, इस तरह का संविधान जो खतरे में पड़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। लेकिन जो वचन पत्र था, वो वचन पत्र कांग्रेस का नहीं था, वो वचन पत्र मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़, 2018 में 7.5 करोड़ की जो जनता मध्य प्रदेश के अंदर थी उसका था। आपने उस वचन पत्र में काम क्यों नहीं किया? जब आपने देखा कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ महिला को, हर महिला मुखिया को 2000 रुपये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, वहाँ सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर मिलना चालू हो गया। उनको लगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे महिला को 1500 रुपये देंगे जो 18 वर्ष से ऊपर रहेगी, 500 में सिलेंडर देंगे। तो उन्होंने अनन फनन में आपने देखा कि 1000 रुपये से लेकर 3000 तक की बात करने लगे, 450 रुपये में सिलेंडर की बात करने लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप मध्य प्रदेश की जनता के इतने हितैषी होते तो ये योजना उसी समय लागू करते। आपने उस समय क्यों नहीं किया? आप वोट की राजनीति करते हैं, आप सत्ता की राजनीति करते हैं, आप सरकार बनाने की राजनीति करते हैं। क्या है यहाँ के लोकल मुद्दे, क्या है सीधी विधानसभा की, क्या मुद्दे? देखिए, सीधी विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कोई विकास नहीं हुआ। ये सरकार बनाने के पहले कहते थे कि कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में। चलिए ठीक है, इनका प्रश्न अच्छा था, जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। 8 जब आया तो उन्होंने कहा कि समय कम था, एक मौका और दीजिए। 13 जब आया तो बोले कि अभी 10 साल में काम नहीं हो पाया, और मौका दीजिए। 18 आया तो 18 में जनता ने इनको सबक सिखा दिया।
ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधी की जब आपने बात किया, सीधी में रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन हुआ, सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, आके भूमि पूजन कर गए, सांसद जी साथ में थी, अभी तक वहाँ पे एक ईंट नहीं रखी गई है। माननीय कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, UPA 2 था, रीवा से सिगरौली तक की सड़क मंजूर किए थे, आज वो सड़क में ये काम नहीं लगवा पा रहे हैं, ये इनकी व्यवस्था है। सीधी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का ये सपना दिखाते थे 2003 के पहले, 20 साल से इनकी सरकार है, 15 महीने छोड़ दीजिए, आज 9.5 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, सांसद इनका, विधायक इनका, लेकिन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया 2003 की स्थिति में है। यदि ये भूमि पूजन कर रहे हैं तो भूमि पूजन तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में किए, कहाँ बन के तैयार हो गया, सिगरौली में किए, कहाँ बन के तैयार हो गया। तो ये सिर्फ मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं कर। मैं युवाओं की बात करता हूँ, ये रोजगार की बात करते हैं, सीधी जिले में कितने उद्योग धंधे लगे 2003 से लेके 2023 तक में, कितने उद्योग धंधे लगे हैं? ये जनता के बीच में जाके ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये सवाल मैं जाके जनता से के सामने रखूँगा, आपने युवाओं के लिए क्या किया, आप किसानों के लिए क्या किया, आप व्यापारियों के लिए क्या किया, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आज किसान हमारा परेशान है, आज ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, आज इतना बड़ा NTPC जो सिगरौली ज़िले में है, जो सीधी जिले का एक भाग हुआ करता था, सीधी ज़िले में था, यहाँ से पूरे देश में बिजली जाती है, लेकिन दीपक तले अंधेरा है। आज हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, आज सिगरौली का विकास नहीं हो रहा है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके हम लोग उतरेंगे। आपके सामने एक 10 साल की सांसद और 15 साल के विधायक, इनका सामना होगा, इस संघर्ष को कैसे आप फेस करेंगे, जो चक्रव्यूह में जिस तरह घेरा गया आपको? तो देखिए, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह में मुझे नहीं घेरा गया है, चक्रव्यूह में वो अपने आप खुद आके फंसे हैं। ये जो 10 साल की सांसद की आप बात कर रहे हैं, ये खुद के दम पे सांसद नहीं बनी हैं, ये मोदी सरकार की, मोदी जी की लहर में सांसद बन गए हैं। आज दिन से पूछा जाए कि सीधी विधानसभा का अंधेरी गढ़ी गांव कहाँ है, तो सीधी विधानसभा का कतरी काड़ी गांव कहाँ है, तो आज सांसद जी को नहीं पता होगा। चुनाव लड़ना अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिल गया है, दूध का दूध पानी का पानी 17 तारीख को होगा। रही विधायक जी की बात, तो विधायक जी तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं। आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा इस विषय को लेके कि ज्ञान सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा इस बार, हमारे विधानसभा का एक एक युवा चुनाव लड़ेगा इस बार, हमारे विधानसभा की एक एक बहन इस बार चुनाव लड़ेगी, हमारे विधानसभा का एक एक किसान चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये सब पीड़ित हैं। पिछले 20 साल में इनको इतना पीड़ित किया गया, इतना पीड़ा मिली है कि ये सिर्फ 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे 17 तारीख आए और उनके अंदर जो उबाल है, जो उनके अंदर मन के अंदर है, वो 17 तारीख को अपना निकालेंगे। कई लोग टिकट के दावेदार थे, वो अब अपना कहीं ना कहीं दर्द वो कर रहे हैं, वो कैसे सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, एक किसी भी राजनीतिक दल में, खासकर कांग्रेस में, दावेदार होना एक स्वाभाविक है, और मुझे तो इस बात का गर्व है कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी में सीधी विधानसभा में सबसे ज़्यादा दावेदार है। एक दर्जन दावेदार थे, और एक दर्जन दावेदार होने का मतलब ये होता है कि हमारी पार्टी कितनी मजबूत है। अब रही बात कि कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिए, उनको भी पता है कि टिकट एक ही को मिलेगा, और एक कार्यकर्ता होने के नाते सबका अधिकार बनता है कि अपनी दावेदारी वो करें। मैं बहुत सारे लोगों से, चूंकि जिलाध्यक्ष था, प्रदेश से ऐसा निर्देश था कि आवेदन जो लड़ना चाहता है जिलाध्यक्ष के पास दे, बहुत सारे लोगों का आवेदन नहीं आया था, तो मैंने खुद फ़ोन करके आवेदन मंगाया और उनका आवेदन लिया, वो प्रत्याशी खुद हमारे जो थे वो, उनको पता है। तो हमारे अंदर कोई ऐसी विचारों की लड़ाई नहीं है। हाँ, ठीक है, टिकट जिनको नहीं मिला थोड़ा बहुत दुख होता है, चूँकि सब हमारे भाइयों ने भी क्षेत्र में काम किया, ऐसा नहीं है, तो थोड़ी बहुत पीड़ा रहती है, वो एक दो दिन में उनको वो चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी और हम सब एक साथ काम करेंगे। आप देखिए, BJP का टिकट क्लियर हुआ, यहाँ भूचाल आ गया, विधायक जी का टिकट कटा, वो न्याय यात्रा पे निकल गए, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी इस्तीफा देना चालू कर दिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ सब ठीक है, सब काम करेंगे और सीधी सीट हम जीत के जाएंगे। तो ये है सीधी जिले के कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह, जो जिनको टिकट मिलने के बाद वो चुनावी प्रचार में लगातार लगे हुए। अब देखना होगा कि जो BJP की ये परंपरागत सीट सीधी है, इसको वापस लाते हैं या नहीं, सीधी के हरिओम सिंह MP तक।